बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में मेरठ के शूटर ने चलाई पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां, जिसमें पुलिस ने दिया उसे जवाब और पहुंचा दिया मेरठ के शूटर को अस्पताल। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिजनौर के श्री हॉस्पिटल के सामने प्रॉपर्टी डीलर सुशील कुमार की इस मेरठ के शूटर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुशील कुमार की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 8 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्होंने जमीन के लालच में बुलाए थे सुशील कुमार को मारने के लिए मेरठ से शूटर। बता दें कि आज ये शूटर फिर बिजनौर में किसी की हत्या करने का प्लान बना रहा था, लेकिन बिजनौर पुलिस ने इसे पहले ही पकड़ लिया। बता दें कि शूटर का नाम अजीज है। अजीज जब बिजनौर के काली के मंदिर पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद अजीज ने पुलिस के ऊपर ही गोलियां चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शूटर अजीज हुआ घायल, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले भेजा सरकारी अस्पताल उपचार के लिए। आप लोगों की इस शूटर के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर, ये जो मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ, क्या है पूरा मामला? सूचना के आधार पर एसओजी और थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक वारदात मोटरसाइकिल पर आया, पुलिस द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया। तो इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए इसे फायर किया और एक कच्चे रास्ते की तरफ भागा। पुलिस ने इसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन ये लगातार जान से मारने के लिए इसे पुलिस पर फायर करता रहा। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लगी है। इसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ से पता चला है कि इस बदमाश का नाम अजीज़ है और ये मेरठ का रहने वाला है, जो अभी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी सुशील की, उसमें इसी के द्वारा गोली चलाई गई थी, उसकी मृत्यु हुई थी। और ये शातिर किस्म का अपराधी है। इन लोगों ने यहाँ पे ही बिजनौर में ही 2 और लोगों की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, और पुलिस की इस तत्परतापूर्ण कार्रवाई करने से इन 2 लोगों की जान बची। इसमें कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है सर? नहीं, कोई किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं। ठीक।